तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें हमारा सवाल है कि ए व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड व्हेन इट इज़ एट ए पॉइंट ए ऑन द रोड। ए स्मॉल लंप ऑफ मड सेपरेट्स फ्रॉम द व्हील एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट बी, ऑल राइट, एंड ड्रॉप्स एट पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। द डिस्टेंस ए सीज, यहाँ पर एक इस तरह का व्हील हमारा दिया हुआ है, इस तरह का, ठीक है ना, ये हमारा व्हील है, और ठीक है, ये हमारा व्हील है इस तरह का, और ये जो व्हील है उसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी दिया हुआ है। ये जो ए दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ है ये वाला, वहाँ पे एक मड रखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा कीचड़ रखा हुआ है, और ए पॉइंट के पास जो है कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब प्योर रोलिंग का बात किया जा रहा है यहाँ पे। विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब प्योर रोलिंग करता है, तो प्योर रोलिंग के केस में आप सबको ही जानते होंगे कि कोई ऐसे व्हील है, तो होता क्या है कि ए वाला जो पॉइंट है वो ओमेगा आर से इधर की तरफ घूमता है, जो होता है हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी, या ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होता है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर की तरफ भी, सेंटर ऑफ मास जो है आगे की तरफ जाती है ना, सेंटर ऑफ मास। तो प्योर रोलिंग के केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन ना हो यहाँ पे, कोई स्लिपिंग ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि भी बराबर ओमेगा आर, भी बराबर ओमेगा आर, या ओमेगा बराबर लिख सकते हैं भी बाई आर। तो ये होता है हमारा कंडीशन प्योर रोलिंग के केस में, भी बाई आर, ठीक है, ये होता है हमारा कंडीशन प्योर रोलिंग के केस में, भी बाई कितना आर। ये कंडीशन सबको पता होना चाहिए कि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, भी बाई आर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे एक व्हील है और ये क्या कर रहा है, एक प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगा भी, और साथ ही साथ ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी तो बी होगा ही, और साथ ही साथ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होने की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, ई भी जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है भी, और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होने की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा भी, इसका भी होगा ओमेगा इंटू आर, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। ए भी और ई भी एग्जैक्टली सेम होगा, क्यों क्यों सेम होगा, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी में ओमेगा के जगह पे कितना लिखेगा, भी बाई आर इंटू आर, आर आर कट जाएगा, कितना आ गया भी, तो भी और भी कितना हो गया, टू भी, मतलब बी पॉइंट का जो वेलोसिटी है ई वाला पॉइंट का वो कितना है हमारा, टू भी है। हाइट कितना दिया है, ये हमारा हाइट दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ तक एच, दिस विल बी टू आर, हाइट दिया है हमारा टू आर, और यहाँ पे एक टू भी वेलोसिटी से एक मड जो है यहाँ से निकलता है, और ये जाके कहाँ पे जाके टकराता है, ऐसे सी पॉइंट पे आके टकराता है, बी पॉइंट से निकल के, जो इस ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है ये हमको निकालना है, कितना डिस्टेंस दूर है। तो सिंपल सवाल है, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया कि एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, तो एच हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो कितना डिस्टेंस जाएगा, मैंने रेंज पूछ रहा है सवाल। तो सिंपल सवाल है, रेंज इक्वल टू फार्मूला जानते होंगे, बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने का समय टी इंटू स्पीड, स्पीड कितना है हमारा, टू बी, यहाँ से सबको ही जानते हैं कि टाइम कितना लगता है, तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक एच हाइट कितने में समय लगेगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी इंटू कितना, टू बी। अब यहाँ पे आपको सब वैल्यू पुट कर देना है, टू इंटू एच, एच क्या है, टू आर के बराबर, टू इंटू आर बाई जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं, इंटू टू इंटू भी, भी कितना है हमारा 10 है, कितना वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, 10 मीटर पर सेकंड से, ये जो मड है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से निकल रही है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मड जो है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड के डबल से निकल रही है, 20 से, टू भी से निकल रही है ना, ये जो व्हील है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी की जगह पे 10 रखेंगे, तो आर के जगह पे 2 इंटू 2 इंटू आर के जगह पे 0.2 अपॉन 9.8 इंटू 10 × 20, तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 49 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 × 4 4/49 मैंने 7/2 सॉरी 2/7, तो इसका वैल्यू हो गया 2/7 इंटू 20, तो आ जाएगा मेरे पास 2 × 20
20/7 मतलब 40/7 मीटर, मतलब ये जो मड है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, 40/7 मीटर पे जाके गिरेगा। कितना स्पीड से टकराएगा वो भी निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। फॉर्मूला सबको जानते हैं, यहाँ पे यू का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, शायद 20 दिया हुआ है, सॉरी 20 गुणे 2 दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच के वैल्यू रख सकते हैं 2 आर के वैल्यू 0.2। और यहाँ से आप आराम से ए वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कितना स्पीड से मड स्ट्राइक करेगा इस ग्राउंड को। चलिए ऑल द बेस्ट।